मॉडर्न डे वॉर में एयरफोर्स का रोल सबसे ज़्यादा होने वाला है। हालांकि इस बात पर हम बॉर्डर फिल्म की एक डायलॉग को भी कह सकते हैं कि हम ही हम मैं तो क्या मैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इस पर बहस करना बेकार है क्योंकि एक मिलिट्री के लिए इनकी तीनों सेनाएं काफ़ी ज़रूरी होती है और हर किसी का अलग अलग रोल होता है। लेकिन जिस भी देश के पास बेहतर एयरफोर्स होता है, एयर पावर होता है, उसे अपने दुश्मन के अगेंस्ट में ऑफेंसिव ऑपरेशन करने में उतना ही आसानी हो जाता है। फिलहाल अभी हम भारत और पाकिस्तान की बात करने वाले हैं और कुछ हद तक खुद को क्रिटिसाइज भी करने वाले हैं और हमारे लिए क्या ज़रूरी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसा क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं ये अभी के लिए पाकिस्तान के साथ होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए सफिशियंट है। लेकिन चाइना के साथ अगर हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है तो वहाँ पर हमारे लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स अभी भारत के मुकाबले काफ़ी ताकतवर बन चुकी है, जिसे फिलहाल काउंटर कर पाना भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन अभी के लिए भारत के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ भी जो एयर सुप्रीमेसी है ये भी शायद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि हो सकता है जब तक भारत के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आएंगे उससे काफ़ी पहले ही पाकिस्तान की तरफ से इनको एक्वायर कर लिया जा सकता है। अब कुछ लोग इस बात को लेकर मजाक भी कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है उसमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ भूल रहे हैं, भारत के मुकाबले कई गुना कम डिफेंस बजट होने के बावजूद भी और लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने के बाद भी पाकिस्तान हमेशा ही अपनी डिफेंस फोर्सेस को भारत के अगेंस्ट में बराबर रखने की कोशिश करता है। अभी जैसे कि भारत की तरफ से रफाल खरीदा गया था और मिच्योर मिसाइल को एक्वायर किया गया था, तो उसको काउंटर करने के लिए तुरंत ही पाकिस्तान की तरफ से चाइना से JNC और PL-15 मिसाइल को खरीदा गया था। और ये भी तब खरीदा गया था जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब पोजिशन पर मौजूद थे। तो हम इस बात पर नहीं कह सकते कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खरीद नहीं सकता। आज तक पूरे दुनिया भर में भीख मांग कर भी पाकिस्तान अपनी डिफेंस नीड्स को सबसे पहले पूरा करता है और भारत के साथ एक पावर बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक देश पाकिस्तान को अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मदद भी करते हैं। अभी एक दो महीने पहले की बात करें तो मैंने आप सभी को बताया था कि पाकिस्तान को टर्की की तरफ से अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। इसको लेके काफ़ी पहले से ही पाकिस्तान और टर्की के बीच बातचीत चल रही थी और इसमें टर्की की तरफ से पाकिस्तान को अपना एक जॉइंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के तौर पर भी अपने साथ शामिल करने का प्लान किया जा रहा था, जिसमें टर्की की तरफ से अभी डेवलप किए जा रहे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जा सके। अभी के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी इसमें पॉजिटिव इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा था और रिसेंटली 29 जुलाई को ही इसको लेके पाकिस्तान और टर्की के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया और इस प्रोग्राम में अभी अजरबैजान भी इन्वॉल्व होने की बात सामने आई है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को J20 को एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है और पाकिस्तान की खुद की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें यानी कि प्रोजेक्ट अजम की बात करें तो अभी तक इसको लेकर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है जहां पर आसानी से पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान भारत से पहले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने वाला है। ऐसा क्यों हो सकता है इस पर अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से अपनी जिस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्लान किया गया था वो अपनी F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने इसको डेवलप करने वाले थे। तो अभी अगर टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान टर्की की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जिसका नाम कान बताया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में वो शामिल होते हैं या फिर इसको खरीदते भी है तो इसको भी पाकिस्तान अपनी F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अब इनिशियली टर्की की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की बात करें तो इसको डेवलप होने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। इनिशियली लगा था कि 2035 से पहले ये कंप्लीट नहीं होने वाला क्योंकि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2028 की दिसंबर में करने का प्लान किया गया था यानी कि लगभग 2029 के आसपास इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया गया था, जिसके बाद इसकी सभी डेवलपमेंटल टेस्ट को कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन में एंटर करने के लगभग 4 से 5 साल और लगने वाले थे और इसे 2035 तक टर्की अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान कर रहा था। और अगर तब भी इसको पाकिस्तान की तरफ से खरीदने की कोशिश किया जाता तो इसको पाकिस्तान को डिलीवर होने में 2035 से 2040 तक का वक्त लगने वाला था, जब तक भारत की तरफ से अच्छे अमाउंट में एमका को इंडक्ट कर लिया जा चुका होता, क्योंकि हम 2030 से 2032 के बीच ही एमका की Mk1 वेरियंट को और 2035 के बाद एमका की Mk2 वेरियंट को अपनी सर्विस में शामिल करने वाले हैं। लेकिन दुख की बात यह कि बार बार हमारा डेवलपमेंट टाइमलाइन जो है पीछे चलता जा रहा है क्योंकि
पहले प्लान किया गया था कि एमका की जो मार्क वन वेरिएंट थे इनको 2028 तक की सर्विस में एंटर कर दिया जाएगा, जो कि अभी 2 से 4 साल पीछे चला गया और अभी ये 2030 के आसपास शिफ्ट हो गया है। इस बीच अगर टर्की की बात करें तो टर्की की तरफ से अभी काफ़ी तेज़ी से अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया जा रहा है और इनिशियली जो प्लान किया गया था कि 2028 में टर्की अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट यानी कि कान की टेस्ट फ्लाइट को करने वाला था, उसे अभी वो इसी साल के दिसंबर में करने वाले हैं, यानी कि शेड्यूल से लगभग 5 साल पहले ही टर्की की तरफ से अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लिया गया। अब आप ज़रा सोचिए, जिस एयरक्राफ्ट को 2028 के दिसंबर तक टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार करना था उसे दिसंबर 2023 तक ही टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार कर दिया गया, जबकि हमारी डेवलपमेंटल टाइमलाइन इसका विपरीत दिशा में चल रहा है। तो अभी अगर टर्की की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट दिसंबर 2023 में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करता है तो इसको 2028 के दिसंबर से पहले वो प्रोडक्शन में एंटर कर सकते हैं और जिस तेज़ी के साथ ये जा रहे हैं मुझे लगता है इससे पहले भी कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें अभी टर्की पाकिस्तान को भी अपनी को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर में इन्वॉल्व कर चुका है तो सेम टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से भी इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है और अगर डिले हुआ भी तो 2030 तक पाकिस्तान कान फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल कर सकता है। हालांकि इस पर कई और फैक्टर भी डिपेंड करते हैं जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन सबसे पहले कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसे पाकिस्तान किस तरीके से हैंडल करता है उसको पाकिस्तान को ही सोचने देते हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगर टर्की शेड्यूल से 5 साल पहले अपनी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बना सकता है तो हम अपनी फाइटर जेट्स को शेड्यूल पर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और अगर इस बार हम पीछे रहते हैं तो जब तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होगा तो उससे पहले पाकिस्तान के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले, जिससे हमको एमका को इंडक्ट करने का जो एडवांटेजेस मिलने वाला था वो इतना नहीं मिलने वाला। और अब तक जहाँ पर पाकिस्तान को हमारे साथ पावर को बैलेंस करने की कोशिश करना पड़ता था तब हमको पाकिस्तान के साथ पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अभी सिर्फ हम सिंगल फ्रंट की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइमलाइन की हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि 2030 तक चाइना के पास 500 से ज़्यादा J20 मौजूद होंगे और ऐसे में अगर एक टू फ्रंट का वॉर होता है इसमें हम बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएंगे क्योंकि तब हमारे दोनों दुश्मनों के पास हमारे मुकाबले एयरफोर्स के मामले में काफ़ी एडवांटेजेस मौजूद होगा और सिर्फ 270 सुखोई और 36 रफाल हमें इससे बचा नहीं पाएंगे। अभी तक एक बहुत ही बड़ा कारण है जिस वजह से हमारी एयरफोर्स के मुकाबले कई गुना ताकतवर होने के बावजूद भी चाइना हमारी एयरफोर्स से भिड़ने से डरता है, और वो कारण क्या है और चाइना इंडियन एयरफोर्स से डायरेक्टली वॉर में जाने से क्यों डरता है उसको लेके हम अलग ही वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात रही टू फ्रंट की तो वहाँ पर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अभी ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की या चेतावनी वाली बात होने वाली है कि अगर भारत से पहले पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मिल जाता है तो वो चुपचाप बैठने वाले नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को कोई ऐसा नया हथियार मिला या भारत के मुकाबले बेहतर हथियार उनके पास आए तब वो सबसे पहले इसका भारत के ऊपर इस्तेमाल किए हैं, और अगर वो हमसे पहले टर्की के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर लेते हैं तो वो इसका इस्तेमाल सबसे पहले भारत पर ज़रूर करने वाले, क्योंकि तब हो सकता है हमारे पास कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं होगा क्योंकि अभी भी हम कोई इंपोर्टेड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने के बारे में नहीं सोचें। साथ ही हमारी जो खुद की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि एमका है वो जिस गति से चल रहा है वो 2032 से पहले सर्विस में एंटर नहीं कर सकता है। और अगर 2030 या 32 से हम लोग एमका को अपने सर्विस में शामिल करना स्टार्ट कर भी देते हैं तो एक डिसेंट अमाउंट में इनको सर्विस में एंटर करने में हमको मिनिमम 2 से 3 साल लग जाएंगे, कम से कम 3 साल लग जाएंगे, और तब तक हो सकता है पाकिस्तान के पास मिनिमम 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल कान फाइटर जेट मौजूद होंगे। और अभी ये जो 2023 से लेकर 2035 तक का टाइम है इसमें इंडियन एयरफोर्स अपनी सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ से गुजरने वाला है जो कि हमें एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में डाल सकता है और इसका फ़ायदा हमारे दोनों दुश्मन उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।